नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं मैंगलोर से लगभग 13 किलोमीटर बाहर की ओर आया हूं। इस जगह को बोलते हैं गुरुपुर। सामने देखिए लिखा भी हुआ है कार स्ट्रीट गुरुपुर। होटल जनता सामने है, यहां पर हम नाश्ता करेंगे, फिर दिन भर आज यहां पर घूमेंगे। बैठने के लिए एक सेक्शन तो ये है और एक अंदर की तरफ है, हम अंदर जाएंगे। आओ जी। इस ईटरी के ओनर वुड फायर पे डोसा तैयार कर रहे हैं, तो इस डोसा को क्या बोलते हैं? तुपा डोसा। तुपा डोसा, तुपा मतलब घी। ओके। साथ में कांदा भज्जी। कांदा भज्जी। कितने साल से आप यहाँ पर? अभी ये 49th ईयर है। अच्छा, 49th ईयर से अब चल रहा है, अभी हमारा थर्ड जनरेशन है। अच्छा, 49 ईयर्स तो बहुत हो गया। 49। हाँ, मतलब बहुत साल हो गया। लो जी, तुपा डोसा रेडी है। थुपा का मतलब है घी, तो समझ लीजिए घी डोसा आज हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। इसमें ना तीन मेन चीज़ें हैं। सबसे कम क्वांटिटी में उड़द दाल रहती है, उसकी डबल क्वांटिटी में राइस, और उससे ज़्यादा मैदा, यानी 1:2:4। ये मैंने यहाँ पर ओनर से समझा। साथ में हमें कोकोनट चटनी मिली है। सांभर मैंने लिया है टेस्ट करने के लिए। ओह वाह, अल्ट्रा सॉफ्ट। मजा आ गया, क्या टेस्ट है। सही मायने में यहाँ पे तुप्पा डोसा खा के मेरे को ऐसा लग रहा है, बोलते ना तृप्ति हो गई, वैसी फीलिंग आ रही है। दो चीज इसमें आपको पहली बाइट में समझ में आएंगी। पहली बात है इसमें घी का फ्लेवर, और दूसरी चीज है जो मैंने आपको बताया, उड़द राइस और मैदे का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। और तीसरी चीज इन दोनों के ऊपर जो है वो है वुड फायर पे, आप अपने सामने बनते हुए देखो और स्मोकी सा फ्लेवर आप टेस्ट में एंजॉय करो। ये है यहाँ की मेन अट्रैक्शन का रीजन। ये भी कोकोनट चटनी है। इसमें ना गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है वहां की चिली है, अभी इसके साथ टेस्ट करेंगे। डिफरेंट टेस्ट, और इसमें मेन जो फ्लेवर है ना चटनी में कोकोनट के अलावा वो है मस्टर्ड सीड्स, और साथ में आपका कोकोनट ऑयल। तीखा मुझे लग रहा था ऐसा ज़्यादा होगा, क्योंकि गुंटूर की जो मिर्ची है वो तीखी होती है, लेकिन इन्होंने उसको कम लेवल पे डाला है कि ज़्यादा तीखा ना आए। लवली चटनी, बेहतरीन, और ये कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है। उफ, क्या सांभर बना है, वाह। जैसे जैसे मैं यहां पर ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, बाइट बाय बाइट टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर जो गेम चेंजर चीज है वो है हींग का तड़का, मतलब, और ये सब्जी वगैरह जो डाला, और प्रिपरेशन तो लाजवाब है, लेकिन वो हींग का जो माइल्ड माइल्ड फ्लेवर आ रहा है ना, लवली। साथ साथ कांदा भज्जी भी टेस्ट करेंगे। मजा आ गया। यहां पर आके मैंने समझा कि गोली भज्जी यहां का फेवरेट स्नैक भी है, ब्रेकफास्ट भी है, कभी भी खाओ। और बाहर अगर आप बैंगलोर जाएंगे या किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहां पर इसको गोली भज्जी नहीं बोलते, वहां इसको मैंगलोर भज्जी बोलते हैं। ये देखो जी, ऐसा ना स्पॉन्जी सा रहता है, तो इसमें बेसिक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैदा, बाकी धनिया, हरी मिर्च आप डाल सकते हो। कुछ लोग इसमें जीरा डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, अपनी पसंद। इसको आप एक बार अंदर से भी देख लो, इस तरह से ये गरम गरम आया, धुआं देखो कितना निकल रहा है। सॉलिड है, वेरी टेस्टी। ग्रीन चिल्ली हल्की हल्की है और मैदा है, मामूली सी हींग होगी ना के बराबर। ऑसम टेस्ट यार। वेरी टेस्टी।
मजा आ गया यहाँ पर आके, और सब कुछ आपका बनाने का तरीका बहुत अच्छा भी है, और स्वाद हम तो इस तरह का टेस्ट पहली बार ले रहे हैं, और बाकी धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर, धन्यवाद। अभी हम यहाँ से वारंगा जा रहे हैं, लंबा सफर है 63 किलोमीटर। हम वारंगा पहुंच चुके हैं, ये बहुत बड़ा सा आप ग्राउंड देखिए, यहीं पर पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी खड़ी हो चुकी है। सामने ऑफिस में हम टिकट निकालने गए थे, 10 रुपये एक आदमी का टिकट लगता है, ऐसा आप बोट में बैठते हैं और सामने टेंपल विजिट करने जाते हैं, जैन टेंपल है। हमने ऑफिस में जब वीडियो शूट का परमिशन लिया तो उन्होंने मना किया कि आप मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफ ले सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते कैमरे से। तो हम जाते हैं, दर्शन करते हैं और वापस लौट के आके आपको ज्वाइन करते हैं। बोट में हम एंटर कर रहे हैं, नीचे आप देखो वाटर स्नेक। अभी हम बोट में बैठकर टेंपल की ओर गए, मंदिर में हमने श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जी के दर्शन करें, पद्मावती देवी जी के भी दर्शन करें। वहाँ पहुँचकर हमें सीनिक व्यू बहुत अच्छा लगा, यहाँ से भी अच्छा लग रहा है लेकिन सेंटर से जब आप देखते हैं ना, चारों तरफ हरियाली, इतने सारे पेड़, बीच में लेक। मुझे किसी ने बताया कि 20 फीट गहराई है जाना टेंपल तक, और वापस आना जो बोट राइड है वो भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। इस समय हम वापस यहाँ पर लौटकर आ चुके हैं, हमारे साथ विपुल राजा जो ऑफिस के स्टाफ हैं। एक चीज़ बताइए, ये टेंपल कब से है यहाँ पर, कितना पुराना है? ये वरंगराज ने 14th century में बनाया है, 14th century, और इसमें चतुर्मुखा बस्ती है। 14th century में बनाया और चतुर्मुखा बस्ती, मतलब कि टेंपल के अंदर जाने के 4 गेट्स हैं। हाँ। वो हमने वहाँ पर देखा। हाँ। अच्छा लगा इधर आके। हमारे पास ना कुछ किसी के पास यहाँ पर लिए हुए ड्रोन फुटेजेस हैं जो 1-1.5 साल पहले लिए गए थे, तो सुबह के टाइम लिए थे। हाँ। तो वो भी हम हो सकेगा तो आपको इसके बाद दिखाएंगे। एक चीज़ और बताइए, अब तो हम यहाँ से विजिट कर चुके हैं। हाँ। दर्शन हो गया हमारा। हाँ। हमको नज़दीक में एक वाटरफॉल है, वहाँ जाना है, कितना दूर है? और 10 किलोमीटर दूर है, और उसका नाम सीता नदी है। सीता नदी। हाँ। अच्छा, अभी हम सीता नदी जा रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। थैंक यू। हाँ। धन्यवाद। हम 4 किलोमीटर आगे की ओर आए, मुझसे रहा नहीं गया, हमने गाड़ी रोक ली। जिस जगह अभी हम खड़े हैं इसको सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, ऐसे बीच में से रोड निकलती है। ठीक है, आप सीनिक व्यूज देखिए, ऑसम। हम एक्चुअली में वेस्टर्न घाट्स एंटर कर चुके हैं, सीधे यहाँ से चले जाएंगे तो अगुम्बे पहुँच जाएंगे, हैबरी करके जगह है, वहाँ पर हम लंच करने जा रहे हैं। देखिए जी क्या व्यू मिल रहा है, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर। वेस्टर्न घाट्स की ब्यूटी तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत शानदार है, तो दोबारा आएंगे तो डिटेल में वेस्टर्न घाट जर्नी करेंगे। सो ब्यूटीफुल, अच्छा लगा। चलिए आगे हैबरी की ओर चलते हैं। हम हैबरी पहुंच चुके हैं, अगर आपको अगुम्बे जाना होगा तो आप हैबरी से जाएंगे। आज हमारा अगुम्बे जाने का प्लान नहीं है, जब हम उडुपी जाएंगे 2 दिन के बाद, तो वहां से हम शाम के समय सनसेट देखने अगुम्बे आएंगे। इस समय हम हैबरी जंक्शन के पास ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के सामने
भटरू होटल है, ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं। अंदर चल के हम यहाँ पर लंच करेंगे। देख रहे थे हम सोमेश्वर करके होटल जहाँ पे नीर डोसा मिलता है, वो नहीं मिला, मतलब हमें पता नहीं लगा शॉप कहाँ पर है, तो हमें ये होटल दिख गया। चलिए इन्होंने हमें मील सर्व कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। पत्ता गोभी और नारियल, साथ में ये चने की सब्जी है, पूरी, पापड़, आचार, बटर मिल्क, सार, सार मतलब रसम, साथ में दही। इस पत्ता गोभी के स्वाद में इतनी सिंप्लिसिटी है, ऐसा लग रहा है मैं घर में खाना खा रहा हूँ। मसाले ना के बराबर, और कोकोनट, मस्टर्ड सीड्स, वेरी टेस्टी, अच्छा स्वाद है। इसमें ना चने के साथ मिक्स वेजिटेबल्स हैं। बहुत ऑसम फ्लेवर है। इसमें कौन कौन सा वेजिटेबल है? बीटरूट, आलू, कैबेज। इसमें जो मेन इसमें टेस्ट है ना, अगेन मस्टर्ड सीड्स और कोकोनट ऑयल, बाकी मिक्स वेजिटेबल होने की वजह से अच्छा स्वाद आ रहा है। मैंने अपने लिए नीर डोसा भी मंगवा लिया। चावल के आटे से नीर डोसा बनता है, काफ़ी थिन लेयर होती है इसकी, तो आप कोकोनट चटनी के साथ खाओ या किसी सब्जी के साथ खाओ, आपकी मर्जी। वैसे मील का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने अलग से मंगवाया। कोकोनट चटनी, अभी मैंने जिक्र किया कोकोनट चटनी का, तो इन्होंने मेरे को कोकोनट चटनी दी कि आप नीर डोसा इसके साथ खाओ। वाह वाह वाह, बहुत स्वाद है। कोकोनट चटनी वैसे बड़ी स्वाद है, और ऊपर से नीर डोसा के साथ ए क्लास कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। यहाँ पर ना वाइट राइस भी मिलता है और बॉइल्ड राइस भी मिलता है। मैंने यहाँ पर आके देखा कि जैसे मौसम गर्म होता है, धूप होती है, तो ये जो चावल है ना, ये खाने से शरीर को ठंडक पहुँचती है, तो इसका शेप भी अलग है, टेक्सचर भी अलग है, और चावल का दाना बनने के बाद मोटा हो जाता है। एक्चुअली इसको पहले ना पैडी के समय ही, पैडी जब निकालते हैं ना, तो उसको बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसमें चावल निकलता है। तो एक काम करेंगे, ये हम सांभर के साथ लेंगे। यहाँ पर सांभर में मिक्स वेजिटेबल नहीं है, केवल गुल्ला है। जब हम यहाँ से उडुपी जाएंगे, तो रास्ते में हम भी गुल्ला देखेंगे कैसा दिखता है, और आपको भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए गुल्ला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक तरह से कह सकते हैं बैंगन। अच्छा टेस्ट है तो ये सांभर, लेकिन टिपिकल जैसे सांभर का टेस्ट आता है ना, वैसा टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो गुल्ला है ना, मैंने आपको बताया बैंगन, उसका फ्लेवर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, कोकोनट रिच है, नाइस टेस्ट, लेकिन सांभर खा रहे हो वैसा फीलिंग नहीं आ रही, तो ऐसा लग रहा है हम गुल्ला की सब्जी खा रहे हैं। ओवरऑल ये मील मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। इसका जो मेन रीज़न है वो है फूड की सिंप्लिसिटी। मैं यहाँ से निकल ही रहा था, तो मैंने किसी को ये ड्रिंक पीते हुए देखा, तो पता लगाया, तो मालूम चला इसका नाम है एल्लू जूस, तो इसका मतलब होता है तिल, सेसमी। तो ये पैकेट भी आप देख लीजिए, ऐसा तिल होता है ना सफ़ेद रंग का, इसको इस्तेमाल करते हैं एल्लू जूस बनाने के लिए। तो बेसिकली मुझे बताया, इसमें आपको गुड़ मिलेगा, इलायची का फ्लेवर आएगा, बाकी तिल तो है ही, और कोकोनट मिल्क जो इसमें मेन है। टेस्टी है, कोकोनट मिल्क और जैगरी, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे याद नहीं मैंने कभी आज से पहले ट्राई किया हो, पहली बार, मज़ेदार एल्यू जूस, सही है। आज मौसम थोड़ा गर्म सा भी है, तो ठंडा ये अच्छा लग रहा है। अब हम ये फिनिश करके यहाँ से जा रहे हैं, नज़दीक में 5-6 किलोमीटर पे सीता नदी है, वहाँ पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं।
लंच करने के बाद हम 4 किलोमीटर सोमेश्वर की ओर आए, हमने गाड़ी रोक ली है, सोचा 10-15 मिनट टहलते हैं और इस नज़ारे को इंजॉय करते हैं। ये जगह मेरे को बहुत प्यारी लग रही है। देखिए सामने डिस्टेंसेस भी लिखे हुए हैं, अगर आपको अगुम्बे जाना है तो 13 किलोमीटर और कुडलू फॉल्स जाना है तो यहाँ से स्ट्रेट 15 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने देखा कुछ होमस्टे के बोर्ड भी लगे हुए हैं, जैसे मेरे सामने कदीनामी फैमिली रेस्टोरेंट और होमस्टे का बोर्ड लगा है, तो यहाँ पर रहना भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। पीछे मैंने जंगल रिजॉर्ट का भी एक बोर्ड देखा था, लिखा था मेन रोड से 0.5 किलोमीटर अंदर की ओर। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मज़ा आ गया। अब हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सीता नदी की ओर जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सीता नदी के पास हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है, शांति है, पूरा वातावरण साफ है, सिर्फ नदी की हल्की हल्की धीमी धीमी साउंड सुनाई दे रही है। मस्त जगह है। एक चीज आपको और बताऊं, मैं यहाँ पर आके मेरे को क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पानी पे आप ध्यान दीजिए, आप 3 से 4 फीट आप नीचे देख सकते हो, पानी इतना ज्यादा साफ है इस जगह का, वेरी नाइस, और बड़ा नेचुरल सा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पर आए, रोड से देखते तो लगेगा नॉर्मल नदी है, इसमें क्या जाना, लेकिन यहाँ आकर 15-20 मिनट आधा घंटा इंजॉय किया जा सकता है। ठीक है, अब हम 10-15 मिनट और यहाँ पर रुकेंगे। हमें किसी ने बताया कि नज़दीक में ना भैंस की रेस होती है, रेसिंग होती है, जिसको बोलते हैं कंबला, तो यहाँ से कुछ 6 या 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो रही है, दोपहर में स्टार्ट होने वाली है, तो पूछते पूछते हम कंबला पॉइंट तक भी जाएंगे इसके बाद, और आपको रेस भी दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे। कुछ देर पहले हम वारंगा में थे, अभी हम घूमकर वापस वारंगा आ चुके हैं। आप देखिए सामने टेंपल, ये पार्किंग देखिए आप, सब लोग जो यहाँ दिखाई दे रही है, मोटरसाइकिलें कार, ये सब लोग कंबला देखने आए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना भैंस की रेस होती है। बफलो रेस हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, वो देखिए सामने, नज़दीक चल के देखेंगे। मुझे यहाँ कुछ लोकल्स ने बताया ये एनुअल बफलो रेस है, जो दिसंबर और जनवरी महीने में कोस्टल कर्नाटका में होती है, इसको यहाँ पे कमला बोलते हैं। बफलो ओनर्स जो जगह जगह कर्नाटका में अपनी भैंस को ट्रक में डालकर यहाँ लेके आते हैं, यहाँ मतलब एग्जैक्टली ये जगह नहीं, अलग अलग जगह कोस्टल कर्नाटका में, और इस रेस में पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 130 मीटर की रेस है, तो हर 10 मिनट में एक ना एक रेस हो रही है। जैसे अभी दोपहर में 2 बजे आज इवेंट स्टार्ट हुआ, तो कभी कभी तो इवेंट अगले दिन तक चलता है दोपहर तक। इसमें जो प्राइज मनी है वो कभी कभी तो रन्स इनटू लाख्स ऑफ रुपीस। मुझे यहाँ 2-3 लोगों ने ये तक बताया कि भैंस की जो रेस की तैयारी ना पूरा साल करवाते हैं, तो सिर्फ रेस के पॉइंट से नहीं, उनको जो भैंस के ओनर्स हैं वो अपने बच्चे की तरह भैंस को पालते हैं, जैसे उसको न्यूट्रिशस डाइट देंगे, उसकी डेली मसाज करेंगे। तो ये चीज़ सुनकर मेरे को काफ़ी डिफरेंट भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। अब रेस में जो आदमी साथ भाग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भैंस का ओनर हो, तो ये आमतौर पर ना एथलीट होते हैं जो साथ भागते हैं। तो इसी साल में जनवरी फरवरी की बात है, एक लोकल पर्सन भागा भैंस के साथ, और उसका 130 मीटर उस इंसान ने जितने समय में कवर किया, उसका कंपैरिजन ओलंपिक विनर, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ किया गया। यहाँ आकर मैंने कुछ नया देखा, और लोगों की पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं, नज़दीक के गाँव के लोग घेरा बनाकर खड़े हैं, और यहाँ पर कमला बोलेंगे किसी को भी तो सबको मालूम है कमला क्या होता है, तो हमारे लिए नई चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सब जानते हैं। अब ऑलमोस्ट 4:45 का टाइम हो चुका है, हमने ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1.5 घंटा यहाँ बिताया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं,
मैंगलोर पहुंचने में हमें अंदाज में 2 घंटे लगेंगे, 75 किलोमीटर के आसपास यहाँ से मैंगलोर का डिस्टेंस है। रात के 8:30 बजे हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी बताया था कि हम मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ही होटल है, यहाँ पर रुके हैं। स्टे काफ़ी कंफर्टेबल है, 1500 रुपीज़ में हमको यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिल गया। अब आपको बाय बाय कर देते हैं, कल जहाँ हम घूमने जाएंगे वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। कल हमारा प्रोग्राम भी ये है कि मैंगलोर एंड सराउंडिंग्स में घूमें और रात को लौट कर भी हम इसी जगह आएँ। बाय बाय, दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।